हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूं एक ऐसे ब्रांड के साथ जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है अपनी क्वालिटी से, अपनी डिज़ाइनिंग से और डिटेलिंग से। ब्रांड का नाम है फैश्योर और रिसेंटली ही मैंने इस ब्रांड को एक्सप्लोर किया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे आपको दिखाने के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। और जो पहला कुर्ता सेट मैंने पिक किया है ब्रांड फैश्योर से, वो उन लोगों के लिए है जिनको क्लासिक स्टाइल्स पसंद है, यानी कि फैशन में कुछ भी चले लेकिन वो कुछ ऐसे बेसिक डिज़ाइंस के साथ रहना चाहते हैं जो कि कभी भी आउट ऑफ स्टाइल ना हो, तो आपके लिए ये परफेक्ट परचेज हो सकती है। हाई नेक के कुर्ता है और ये आता है दुपट्टे के साथ। कामथा वर्क है जो कुर्ते के ऊपर किया गया है, बहुत ही नीट एम्ब्रॉयडरी है और पूरे कुर्ते के ऊपर छोटी छोटी बूटियां बनी हुई हैं एम्ब्रॉयडरी से। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं और जो फैब्रिक है इस कुर्ता का वो है कॉटन सिल्क लाइक, काफी अच्छा वाला सॉफ्ट फैब्रिक है और प्रिंट भी जो है काफी ज्यादा अच्छा है, क्रीम कलर का, ऑफ वाइट कलर का। कोई भी प्लाजो पैंट्स इसके साथ आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो तो स्टाइलिंग आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगी। मैंने इसको ट्रेडिशनल स्लिपर्स और पर्ल ज्वेलरी के साथ जो है स्टाइल किया है और साथ में हैंडबैग लिया है, लाइक काफी परफेक्ट कुर्ता सेट है अगर आप एक फॉर्मल वेयर कुर्ता सेट ढूंढ रहे हो। और जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है ये टाई एंड डाई प्रिंट में ग्रीन कुर्ता, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ग्रीन शेड है ये, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये कुर्ता। और जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक कॉटन सिल्क फैब्रिक है और जो एम्ब्रॉयडरी है इस कुर्ता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नीट एम्ब्रॉयडरी है, गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी है, लाइक 2 shades ऑफ गोल्ड जो है इसके अंदर यूज़ किया गया है, लाइक मशीन एम्ब्रॉयडरी के ऊपर हैंड वर्क किया गया है। ये जो कुर्ता है इसे आप बहुत ही ईजिली फॉर्मली भी स्टाइल कर सकते हो, आप इसको बेज गोल्ड पैंट्स के साथ कैरी कर सकते हो, साथ में गोल्ड दुपट्टा भी ले सकते हो अगर आप इसे किसी फंक्शन में पहनना चाहते हो। इनफैक्ट मैंने भी इस कुर्ता को बेज गोल्ड पैंट के साथ जो है स्टाइल किया है, साथ में कुंदन ज्वेलरी पहनी है क्योंकि जो पूरे कुर्ता का ओवरऑल लुक है ना काफी ज्यादा फॉर्मल है और मुझे पर्सनली ऐसे कुर्ताज बहुत अच्छे लगते हैं जिनको इजीली आप थोड़ी सी ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच करके फॉर्मली स्टाइल कर सकते हो, लाइक मुझे लगता है कि आप कम पैसों में ज्यादा वसूल कर लेते हो एक प्रोडक्ट से। और सारे आउटफिट के जो प्राइजेस है ना मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, लाइक मैंने आपको ओरिजिनल प्राइजेस भी दे दिए हैं और जो प्राइजेस आपको डिस्काउंट के बाद मिलेंगे मैंने वो भी दे दिए हैं। आउटफिट्स के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो है ये पिंक कलर का कुर्ता सेट ब्लॉक प्रिंटिंग में, जो हम सबका फेवरेट होता है। और ये जो कुर्ता सेट है ये 3 piece में आता है, लाइक कुर्ता, पैंट्स एंड दुपट्टा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुर्ता को, सिंपल स्ट्रेट कुर्ता है प्योर कॉटन फैब्रिक में और इसकी नेकलाइन के ऊपर व्हाइट कलर के थ्रेड से मिरर वर्क की एम्ब्रॉयडरी जो है की गई है। 3/4 इस कुर्ता सेट की स्लीव्स हैं और ये आता है इस किस्म की पैंट्स के साथ और पैंट्स के बॉटम में भी गोटा की जो डिटेलिंग है वो आपको दी गई है और पैंट में आगे की तरफ बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, काफ़ी कंफर्टेबल सी पैंट है और कॉटन, प्योर कॉटन फैब्रिक की ये पैंट्स है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल तो ये रहेंगी ही। और इसके साथ में कॉटन का ही दुपट्टा है जो आता है और इस कुर्ता सेट को भी मैंने अपने पर्ल स्टड्स और ट्रेडिशनल स्लिपर्स के साथ है जो स्टाइल किया है, लाइक जो मेरी स्टाइलिंग होती है वो हमेशा सिंपल एंड प्रैक्टिकल में रखना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो ना तो आपको एक्सेसरीज जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें मुझे फैशन में लगती हैं जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री होती हैं और जो इंडिगो प्रिंट है ना वो मुझे लगता है एक रिस्क फ्री फैब्रिक कलर है, लाइक इंडिगो कलर के ऊपर आप मरून ग्रीन कलर से जब भी प्रिंटिंग करते हो वो इतना ट्रेडिशनल लगता है, इतना ऑथेंटिक लगता है और बहुत ही एक अच्छा सा लुक जो है ना निकल कर आता है। और ख़ासकर अगर आपको बहुत लुक्स क्रिएट करना पसंद है तो आप बहुत ईजीली कर सकते हो इस किस्म के कुर्ताज के साथ।
बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉटन का ये कुर्ता है और 3/4 जो है इसकी स्लीव्स हैं। नेक लाइन बहुत प्रैक्टिकल सी है, नेक के ऊपर व्हाइट कलर के बटन्स लगे हुए हैं, साइड में आपको प्लीट्स हैं जो दी गई हैं जो हल्का सा ना डेफिनेशन देंगी आपकी वेस्ट लाइन को। मैंने इसको जंग ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है और साथ में पहनी है ब्लू जुत्तीज, मरून कलर के पैंट्स के साथ मैंने इसको स्टाइल किया है जो कि, और चलिए इस मरून पैंट्स को दोबारा यूज कर लेते हैं इस मरून कलर के कुर्ते के साथ। तो जो ये नेक्स्ट कुर्ता है इसकी यूएसपी है इसकी नेक लाइन की एम्ब्रॉयडरी, लाइक फ्रेंच नॉट का काम है इसकी नेक लाइन के ऊपर। और जो लोग फ्रेंच नॉट की एम्ब्रॉयडरी को समझते हैं या जानते हैं वो देखेंगे कि कितनी ज्यादा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। और जो कलर्स यूज किए गए हैं ना इस एम्ब्रॉयडरी में, बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फैब्रिक प्योर कॉटन है, स्ट्राइप्स उसके ऊपर प्रिंट है, सिंपल कुर्ता है बट वेरी एलिगेंट, लाइक क्योंकि काम बहुत खूबसूरत है इस कुर्ते के ऊपर। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है विथ 3/4 स्लीव्स और मैंने इसको सिंपली एक स्टेटमेंट एयरिंग्स के साथ जो है स्टाइल किया है और साथ में लिया है ये हैंड बैग। एंड आई थिंक ये इस किस्म का कुर्ता है जिसको आप ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ या किसी भी लंच डिनर के लिए यूज कर सकते हो। और कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल और इन सारी आउटफिट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और एडिशनल 5% डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है winnie@5, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन के ऊपर भी। और जो नेक्स्ट कुर्ता है ये मस्टर्ड कलर का कुर्ता विद मिरर वर्क एम्ब्रॉयड्री और ये कुर्ता है कॉटन रेयॉन फैब्रिक में, योक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है मिरर वर्क किया गया है। और योक के साइड पर यानी कि कमर पर आपको ये डोरियां हैं जो दी गई हैं, आप इनको साइड में भी टाई कर सकते हो या फ्रंट में भी टाई कर सकते हो, लेकिन मैंने इनको साइड में टाई किया है। और जो टैसल्स हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टैसल्स हैं और इन टैसल्स के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी जो है की गई है। कुर्ते के बॉटम और स्लीव पर भी एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग है और मैंने इसको अपनी गोल्ड बेज पैंट्स के साथ स्टाइल किया है। आप बिल्कुल क्रीम ऑफ वाइट कलर भी जो है ना इसके साथ कैरी कर सकते हो और खासकर ऐसे बॉडी शेप्स जिनका बॉटम हैवी है उनके लिए तो इस किस्म के जो कुर्ताज है ना वो ब्लेसिंग होते हैं। और जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है ये ब्लू एंड ग्रीन इक्कत प्रिंट में ए लाइन सिल्वेट का कुर्ता जिसका की जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं और जो नेक लाइन है वो हाई नेक लाइन है। ए लाइन शेप में ये है तो सारे ही बॉडी शेप्स के ऊपर जो है ये अच्छा लगेगा। मैंने इसको कंबाइन किया है अपने ऑफ वाइट कलर के प्लाजो पैंट्स के साथ, लेकिन आप इसे ब्लैक ग्रीन ब्लू व्हाइट कलर की बॉटम्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। तो जो स्टाइलिंग है लाइक मिक्स एंड मैच करना काफी इजी रहेगा आपके लिए इस कुर्ता को। और सिंपल कुर्ता है जिसको आप कॉलेज में या ऑफिस वेयर में या घर पर इजीली कैरी कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं उस कुर्ता की जिसे मैंने पहना हुआ है जो कि है प्योर ब्लड रेड कलर में, लाइक बहुत ही वाइब्रेंट वाला रेड कलर है इस कुर्ता का और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था जैसे ही मैंने इसको खोला था। बहुत ही नीट गोल्ड मिरर वर्क का इसकी नेकलाइन के ऊपर काम है और जो फैब्रिक है इसका वो है कॉटन रेयॉन, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। लाइक मैंने बहुत देर से इसको पहना हुआ है और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग है इसके फैब्रिक की। कुर्ता अपने आप में इतना खूबसूरत है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग में नहीं भी मेहनत करोगे तो भी चलेगा। मैंने इसको सिंपली गोल्ड बेज कलर की पैंट्स के साथ स्टाइल किया है। आप इसके साथ गोल्ड दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि आपके पास रेड बॉटम्स ज़रूर होंगी तो रेड के साथ भी कंबाइन कर सकते हो अगर आप एक ओवरऑल रेड लुक क्रिएट करना चाहते हो। और मैंने यहाँ इसको फॉर्मली ही स्टाइल किया है विद सम कुंदन ज्वेलरी और साथ में जो है ये हैंड बैग लिया है। होप आज का ये हॉल आपको अच्छा लगा होगा और मेरी एक्साइटमेंट आज इस हॉल में काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि जब भी मैं कोई नया ब्रांड आपके सामने लेकर आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।